Hello students, welcome back on my channel. First of all, तरजे उन सब students को thanks जिन जो हमारे channel को like कर रहे हैं और जिनके comments आ रहे हैं, they like my teaching phase. उन सब students को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया. Second things, आपकी जो notification है वो भी मिल रही है हमें. आप I understand कि आप लोगों के exam नज़दीक हैं, लेकिन जितनी notification मिल रही है इतनी notification इतने कम टाइम में कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग टू योर एग्ज़ाम वो सारी मैं आपकी क्लियर कर पाऊँ. तो कल से वैसे तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने लिख रखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशंस करवा दो मैम बिकॉज उनके एग्ज़ाम हैं. तो एक बात तो ये कहनी थी, जैसे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बहुत लेंथी है. वैसे मैंने स्टार्ट कर दिया था डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में ही अगर आपका एग्ज़ाम है, स्टार्टिंग में ही हो जाता है मई के, तो इतने शॉर्ट टाइम्स में आप डिफरेंशियल इक्वेशन कवर नहीं कर पाओगे. आगे से आप लोग बिल्कुल एग्ज़ाम टाइम पे नहीं, उससे 2-3 मंथ पहले बोला करो, दैट्स वाई हम उस टाइम पीरियड में आपका टॉपिक क्लियर कर पाएँ. तो आपको मैं ये बता रही हूँ कि टाइम पीरियड कम होता है, दैट्स वाई आपको जो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है वो आप कमेंट में लिख दिया कीजिए, तो वो मैं आपकी क्लियर कर दूंगी जो भी आपके क्वेश्चंस के रिगार्डिंग है. फुल चैप्टर बोलोगे, फुल सिलेबस बोलोगे, तो उसके लिए टाइमिंग चाहिए, क्योंकि ये तो आपको ही पता है अगर हम फुल सिलेबस फुल चैप्टर कवर करेंगे तो उसके लिए नियर अबाउट सिलेबस के लिए भी 2 मंथ्स तो नियर अबाउट चाहिए ही चाहिए. ठीक है दादी, दैट्स वाई. बट कोशिश करेंगे हम कल से जितने बच्चों की थोड़े बहुत क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स आई हुई है वो हम कल से सॉल्व करना शुरू करेंगे. तो आज तो हम शुरू करते हैं हमारा वही टॉपिक शॉर्टकट्स के बारे में. तो हम शॉर्टकट्स ऑफ इंटीग्रेशंस कर रहे हैं. तो शॉर्टकट्स ऑफ इंटीग्रेशंस में हमने क्या किया था, पार्शियल फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन की थी. आज पार्शियल फ्रैक्शन की ही आगे टाइप है जिसमें हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं. क्या सा क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं. देखो अगर आपके पास किस टाइप का आता है क्वेश्चन, x² + a² + x² + b² इस टाइप के क्वेश्चंस की आपने इंटीग्रेशन करनी है. ठीक है जी, इस टाइप की. अब देखो अगर आपने इसके इंटीग्रेशन करनी है, डिनोमिनेटर में भी x² है, डिनोमिनेटर में भी x² है कॉमन चीज. अगर यहाँ पे 2x होता फिर तो हम, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर था तो हम x² को t पुट कर लेते जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. अगर आप इसको भी सॉल्व करते हो तो आप पहले क्या फिल करते हो, x² को t पुट करते हो, आफ्टर दैट पार्ट्स में लिखते हो, फिर a b की वैल्यू निकालते हो, फिर उसे सॉल्व करना शुरू करते हो. ठीक है, फिर अगेन जो t की वैल्यू है x² भी बहुत लेंथी सा प्रोसीजर हो जाता है ना उसे सॉल्व करने का. तो इसे हम बाय शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे, बड़ा इजी है. देखो हमें ये तो मालूम है 1/x² + a² इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, दैट इज tan इनवर्स xya, यही होती है ना, tan इनवर्स xya, सॉरी 1/a रह गया, 1/a. ठीक है जैसे इस फंक्शंस की इंटीग्रेशन आपके पास ये होती है, तो इसमें यही फंक्शन तो मल्टीपल में है, दैट्स वाई इसकी इंटीग्रेशन किसमें आएगी, tan इनवर्स में आएगी. ये तो हमें डिफाइन है. जैसे अगर यहाँ पे x था उसकी इंटीग्रेशन किसमें आती थी, log में. इन दी सेम वे इनकी इंटीग्रेशन किसमें आएगी, tan इनवर्स में. ठीक है, तो अब शॉर्ट ट्रिक्स क्या है वो देखो, जो हमारी मैजिक ट्रिक है जिससे हमारा ये क्वेश्चन बड़ी ईजी हो जाएगा. बिल्कुल सेम प्रोसीजर चलेगा. कैसे, पहले हम वही फर्स्ट फैक्टर को इक्वल टू 0 लेंगे, तो हमारे फैक्टर की वैल्यू क्या आई है, -a² आई है ना. इस फैक्टर को छोड़ के, क्योंकि ऑल स्पेसेस पे जैसे x² है, x की वैल्यू नहीं निकालनी. अगर x की निकालेंगे तो ये iota में चली जाएगी, नो, x² है तो ऑल स्पेसेस पे क्या फिल कर दो, x² के स्पेस पे -a². ठीक है दादी, तो अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करती हूँ -a² आफ्टर दैट यहाँ पे तो नहीं फिल करना है, इसको तो छोड़ना है, -a² + b² ये तो आपकी वो जो कांस्टेंट होता है ना a, उसकी वैल्यू आ गई, ये आपके पास हो गया. आफ्टर दैट 1/, ठीक है
यहाँ पे ए ही है, 1 by a tan inverse x by a हो गया जी फर्स्ट फैक्टर की इंप्लीकेशन। ठीक है दादा, आप डेट सेकंड पे आ जाते हैं। उसके बाद प्लस, ठीक है प्लस, अब देखो सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0 रखोगे तो x square is equal to minus b square, put in this minus b square upon minus b, x square के स्पेस पे minus b square आया है, minus b square plus a square, ये तो फैक्टर छोड़ना है, इसी से तो निकाला था, तो ये फैक्टर छोड़ के जो रिमेनिंग फैक्टर था उसमें मैंने x square के स्पेस पे minus b square फिल किया है into वही 1 by, अब यहाँ पे b है, that's why b tan inverse x by b, that is yours integration in form of x square, ठीक है? अब एक example देखें, जैसे आपके पास एक example है, x square by x square plus 1 x square प्लस 4, इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन गिवन है। अब आपने इस टाइप की इंटीग्रेशंस को सॉल्व करना है। देखो अगर आपने इस टाइप की इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है बाय दिस मेथड करें, सेकंडों में हो जाएगा, एग्जाम के लिए भी वैसे ये इंपॉर्टेंट है। अगर विद इन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, अगर हम डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल की बात करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस की भी बात करते हैं, उसमें हम हर जगह पे इंटीग्रेशन यूज करते हैं, तो वहां पे जब हम इंटीग्रेशन बार बार करते हैं तो वहां पे हम शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर लिया करेंगे, क्योंकि हमें तो सोल्यूशन निकालना है, तो शॉर्ट ट्रिक्स को अच्छे से करो, दैट्स व्हाई ये शॉर्ट ट्रिक्स आपकी उन केसेस में यूज हो पाए। नाउ अब हम करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स, देखते हैं कितनी जल्दी निकलता है। टेक फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, वी गॉट x स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 आया है। नाउ फिर अगर मैं फिल करूंगी x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 4 इनटू, यहाँ पे e 1 है तो 1 by a लगाऊं, no tan inverse x by 1 लगाऊं, it is not necessary, after that plus, फिर x square is equal to क्या है minus 4, ठीक है अब minus 4 फिल कर दूं, minus 4 upon यहाँ पे रजे क्या आएगा minus 4 plus 1, ये हो गया into, यहाँ पे देखने वाली बात है क्या 1 by a स्क्वायर होता है, चाहे आप ऐसे लिख लो, अगर a को ऐसे अंडर रूट में भी लिख सकते हो आप, 1 by a बन जाता है, तो अगर मैं 1 by में लिखूंगी इसको 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, अगर यहाँ पे 2 स्क्वायर नहीं बनता हुआ, मान लो मेरे पास 3 हुआ यहाँ पे 3, तो मैं 1 by अंडर रूट 3 लिख दूंगी, ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा 2, 1 by 2 tan inverse x by 2 plus c, आ गया एक मिनट में आंसर, ठीक है रजे, क्या चीज बतानी थी इसको हल्का से सॉल्व कर लो, माइनस 1 बाय 3 टैन इनवर्स x प्लस प्लस ही हो गया, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 बाय 3 इंटू 1 बाय 2 2 बाय 3 रह जाएगा, 2 के साथ ये कैंसिल हो गया, टैन इनवर्स x बाय 2 प्लस c, दैट इज योर फाइनल आंसर आफ्टर डूइंग कैलकुलेशन, तो ये आपका आंसर आ गया रजे। एक चीज क्या नोट करने वाली है रजे, यहाँ पे देखो यहाँ पे तो 1 था, दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड टू राइट एन 1 हियर, लेकिन इफ देयर इज अ 3 x स्क्वायर प्लस 3 या x स्क्वायर प्लस 5 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन यू राइट हियर 1 बाय अंडर रूट 3, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है, तो हमारी a क्या बनेगी इस केस में अंडर रूट 3, तो 1 by under 3 tan inverse x by under 3 बनेगा, अगर 5 है तो under 5 बनेगा, ये चीज ध्यान रखनी है, क्या मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 ही लिखाते हैं, नो ध्यान रखना उसकी स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, कुछ भी नहीं है, टेक फर्स्ट फैक्टर 0, जो भी x स्क्वायर की वैल्यू आई है रिमेनिंग फैक्टर में फिल करो, ये tan इनवर्स में बनेगी, 1 by a tan इनवर्स x by a। अब एक देखिए और एग्जांपल, वो आप मेरे साथ साथ सॉल्व करना, देखना आप कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हो। अब एक एग्जांपल हो रहा है x स्क्वायर प्लस 1
upon x square plus 2, x square plus 2, 2x square plus 1. अब ये है रजे, ठीक है? देखो, हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग वही x square, x square, x square आ गया, ठीक है? तो हम पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर करते हैं, x square आ गया, तो हम अपनी ट्रिक यूज कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे 2 के x square के साथ कुछ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में आ गया, तो भी कौन सी बड़ी बात है, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में आ गया, देन देयर इज नो वरी, इसे सेम वे से सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा, ठीक है? तो कैसे सॉल्व करेंगे, सेम ट्रिक यूज करते हैं. पहले हम इसको इक्वल टू 0 लेंगे, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, -2, फिर करें -2, तो -2 प्लस 1 अपॉन, यहां पे फिल करोगे -4 हो जाएगा, 2 इंटू -2 -4 प्लस 1, ये हो गया. आफ्टर दैट यहां पे अंडर रूट 2 आएगा रजी, बिकॉज यहां पे वन बाय ए आता है, दैट इज अंडर रूट 2 आएगा, 1/√2 टैन इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट 2 हो गया रजी, बड़ा इजी. प्लस कितना टाइम लगा, टाइम नोट कर सकते हो आप. प्लस अब टेक अ सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0, वी गेट एक्स स्क्वायर -1/2, -1/2 आएगा, -1/2. अब यहां पे -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 2, ठीक है? अब यहां पे एक चीज नोट करने वाली है, 1/a, ठीक है? तो यहां पे a तो अगर 1 है, लगाओ, देयर इज नो नीड. यहां पे 2x स्क्वायर है आपके पास, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2x स्क्वायर, अंडर रूट 2x स्क्वायर, दैट मींस x आपके पास क्या आएगी, अंडर रूट 2x. तो यहां पे tan inverse under root 2x upon a, that is the 1. और अगर आपके पास x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई आ जाता है, तो इसका डेरिवेटिव डिवाइड में लगता है, तो क्या हो गया वो, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 क्या लगेगा, डिवाइड में, प्लस सी आंसर, ठीक है रजे? बस ये ध्यान रखना है, अगर x का कुछ मल्टीप्लाई, तो रजे ये अंडर रूट 2x उसके लिए लिखा जाएगा, वो हमारा हो गया. नाउ अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, -1/-3, दैट इज अ 1/3, माइनस माइनस मैंने कैंसिल कर दी, 1/√2 टैन इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट 2, ये आएगा आपके पास -1/-3, ठीक है? यहाँ पे आएगा प्लस 1/2 इंटू 4 प्लस 3/2, ठीक है? तो यहाँ पे आएगा 2/3, इसको मैंने ऑपोजिट कर दिया रजे, दैट इज अ 1/3 इंटू 1/√2 टैन इनवर्स अंडर रूट 2x प्लस सी, दैट इसको जो हमने कैलकुलेट किया था, ये हमारा 1/3 आया है, टैन इनवर्स अंडर रूट 2x प्लस सी, ये तो लास्ट में हल्की सी कैलकुलेशन है, tan inverse x by under root 2. देखो रजे, इतना बड़ा क्वेश्चन सिर्फ 2-3 लाइंस में सॉल्व हो गया, ओनली 2 or 3 लाइंस में. x square, जब आपके पास पार्शियल फ्रैक्शंस में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में x square आ जाती है, then you solve in this way. ठीक है रजे, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने ये ट्रिक यूज की है. अब आप भी ये ट्रिक यूज करो, अपनी मैथ्स उठाओ, उसमें पार्शियल फ्रैक्शंस में जितने भी ऐसे सम्स है, सबको ऐसे प्रैक्टिस करो. अगर आप प्रैक्टिस करोगे, तो ये ट्रिक आपके माइंड में यूं ही बैठ जाएगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.